जय जिनेंद्र। चेन्नई से मैं ललिता चोरडिया आज आपके लिए चिलना टैकोस की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसान और बहुत टेस्टी लगता है, तो चलिए हम बनाते हैं चिलना टैकोस। अब हम चिलना बनाने जा रहे हैं। चिलना बनाने के लिए मैंने एक कप बेसन लिया है और उसमें 2 चम्मच मैं चावल का आटा ले रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। चुटकी भर हल्दी, 1/4 टीस्पून जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1/4 कप पानी लिया है। थोड़ा सा पानी डालूंगी और हल्का सा मिक्स कर लूंगी ताकि इसमें गांठे नहीं पड़े। ये देखिए हमारा बेसन का घोल बिल्कुल तैयार हो गया है। बेसन का घोल बनाने के बाद में अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। बेसन का घोल बिल्कुल रेडी है। अब इसको एक तरफ रख देते हैं और हम चलते हैं टैकोस की फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए हमने लिया है 1 चम्मच घी, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, हल्का सा भून लें इसको, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा टमाटर। अब हम इसमें मिला रहे हैं स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच लाल मिर्ची। अब हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें पनीर और अच्छे से मिला दीजिए। अब हम बिल्कुल छोटे छोटे चिलड़े बनाएंगे इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से। इसको घी डाल लीजिए थोड़ा सा, इसे फ्लैट कर दीजिए, बिल्कुल फ्लैट हो जाना चाहिए इस तरह से। अब चिलड़े को इस तरह से टैकोस की तरह फोल्ड कर लीजिए। आप इस तरह आप फोल्ड कर लीजिए। टैकोस में यह फिलिंग कर लेते हैं हम। इस पे हरा चटनी। अब हम चलते हैं प्लेटिंग पे। थोड़ा फिलिंग यहां पे रख देते हैं। ये रहा आपके चिलड़ा टैकोस।